नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में 23 पासपोर्ट्स हैं। ये 23 पासपोर्ट्स दोस्तों जो पीछे ये परिवार बैठे हैं, इन सारे लोगों के हैं। इनका इशू क्या है, मैं चाहता हूं दोस्तों उस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। हमारे देश का पॉलिसी फेलियर और जो सिस्टम फेलियर है वो किस कदर है, ये मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। 23 पासपोर्ट्स दोस्तों, दिस नीड्स टू बी रिन्यूड एवन आफ्टर द पासिंग ऑफ CA एक्ट। This needs to be renewed। ये लोग दोस्तों 2019 में पाकिस्तान से भारत आए हैं और ये यहाँ पर दोस्तों एक रामपुरा जगह है। It is around 30 kilometers away from जोधपुर सिटी। जोधपुर सिटी से करीब दोस्तों इतनी दूरी पर ये लोग बेरू पर काम कर रहे हैं। Landless laborers, they work as a tenants। और ऐसी जैसी जैसे दोस्तों ये गाजर देख रहे हो, ये गाजर दोस्तों यहाँ पर क्या रेट है अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ये गाजर अप्रैल के महीने में भी ये लोग यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं और इनकी इसकी कितनी इनकम हो रही है ये आपको समझने की जरूरत है। फार्मर प्रोटेस्ट दोस्तों आपने बहुत देखा होगा टीवी पर, मीडिया कवरेज उसको कितनी ज्यादा मिली, लेकिन फार्मर्स को, एक्चुअल फार्मर्स, दीज आर एक्चुअल फार्मर्स, इनको कितनी कमाई मिल रही है ये दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको रिवील करूंगा। और यू विल बी एस्टोनिश्ड, आपको बहुत हैरत भी होगी कि ओपन डिस्क्रिमिनेशन इज हैपनिंग विद दीज पीपल। पाकिस्तान से दोस्तों ये लोग भारत आते हैं और छोटी छोटी चीजों के लिए भी इनको कितनी जिल्लत और कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है, वी विल कवर इन दिस वीडियो। ये जो पासपोर्टों का गठा है, वाई दिस गठा नीड्स टू बी रिन्यूड एंड द रिन्यूअल हैपेंस इन दिल्ली ओनली। ये परिवारों को दिल्ली जाने की क्या जरूरत है, even after the passing of CA, we'll cover in this video. I want you to stay tuned because मैं चाहता हूँ पूरा 110 करोड़ हिंदू समाज इनके पीछे खड़ा हो जाए। कश्मीर के हिंदुओं के लिए दोस्तों आपने आवाज नहीं उठाई या आप नहीं उठा पाए, उस टाइम पर सोशल मीडिया नहीं था, बट आज ऐसा नहीं है। आप घर बैठे भी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को टैग कर सकते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री को टैग कर सकते हैं, PMO को टैग कर सकते हैं, होम मिनिस्ट्री को टैग कर सकते हैं, राजस्थान सरकार को टैग कर सकते हैं। राजस्थान में अभी हिंदूवादी सरकार है दोस्तों, सेंटर में हिंदूवादी सरकार है। टैग ऑल दीज मिनिस्टर्स इन दिस वीडियो। मैं चाहता हूं सब तक ये वीडियो जाए, उनके कानून तक ये वीडियो जाए और इनका समाधान हो। एंड मैं चाहता हूं पूरा देश का हिंदू समाज इस इशू को समझे। CAA इज जस्ट 2% ऑफ व्हाट द डिमांड्स ऑफ पाकिस्तानी हिंदूज हैव। ऊंट के मुंह में जीरा वाला था वो, बट थैंक यू वो मिल गया। बट जो रियल इशू है, जो नए परिवार पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं या जो नए परिवार पाकिस्तान से भारत आए हुए हैं, उनका डिस्क्रिमिनेशन और उनका शोषण कब रुकेगा, दिस इज ए क्वेश्चन। आई वांट यू टू स्टे ट्यून्ड, हम इस बारे में बात अभी करेंगे। भैया आपका क्या नाम है? कबूतर जी। कबूतर जी, कितने जी। परिवार में लोग हैं आपके? तीन आदमी है। क्या नाम है अपनी वाइफ का? परमेश्वरी। आपका भैया क्या नाम है? खमीसा जी। आपकी दीदी क्या नाम है? रजिया। आपके कितने बच्चे हैं? चार लड़के दो लड़के। चार हिंदू हैं आप? हिंदू। आपका क्या नाम है भैया? सुदामा जी। क्या नाम है दीदी आपका? देवी। कितने बच्चे हैं आपके? पांच। लड़का लड़के कितने? दो लड़के हैं, तीन लड़कियां हैं। ठीक है। आपका क्या नाम है भैया? जयराम। आपका दीदी क्या नाम है? वजीरा। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही। ओके। आपका क्या नाम भैया? गुमान जी। आपका दीदी क्या नाम है? नजीरा। आप कितने बच्चे हैं आपके? मेरा चार बच्चे। आप हिंदू हैं? जी। कब आए पाकिस्तान से आप? हम 2019 में आए। 2019 में आए हो? आप कब आए पाकिस्तान से? 2019 में। आप भी 2019 में आए हो? 2019 में आए। और आप भी सारे लोग? जी सर। ये 2019 में दोस्तों ये लोग आए हुए हैं और ये क्या है, पासपोर्ट का क्या मसला है दीदी, मेरे को समझाओ। ये पासपोर्ट आपके एक्सपायर हो गए हैं क्या? क्या 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 कह रहे हैं सरकार, क्या बोल रही है? हमारे पासपोर्ट को रिन्यू किया जाता है। रिन्यू करने हैं? हाँ। ये क्या कह रहे हैं सरकार, बोल रही है आपको रिन्यू करने सरकार के लिए? कहती है कि पासपोर्ट रिन्यू कराओ। कोई आया यहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए? कोई नहीं आया यहाँ तो कोई नहीं आया, लेकिन वहाँ जाते हैं जोधपुर, वहाँ वो कहते हैं कि पासपोर्ट रिन्यू कराओ। ठीक है, हमारे पास कुछ है नहीं तो रिन्यू कहाँ से करवाए। क्या खर्चा है आपका पासपोर्ट रिन्यूअल का? 6000 एक पासपोर्ट के पीछे लगता है। एक पासपोर्ट के पीछे 6000 लगता है। आप सब 23 लोगों का पासपोर्ट रहने वाला है? 23 लोगों का पासपोर्ट है। कितना खर्चा है टोटल आपके पासपोर्टों का, कितना खर्चा होएगा? तकरीबन 1.5 लाख खर्चा हो जाएगा। 1.5 लाख खर्चा होएगा सर, और 6000 के हिसाब से। पैसे हैं आपके पास? नहीं सर, हम बच्चों का है कुछ भी नहीं।
आप क्या काम करते हो यहाँ पे? खेती बाड़ी करते हैं सर। ये क्या खर्चा है आपका इसके पासपोर्ट का? हम 2019 में आए थे पाकिस्तान से भारत में, भारत अपना देश समझ कर आए थे जी, और यहाँ आए तो हमारे पासपोर्ट खत्म हो चुके हैं जी, और हमें बुलाया जाता है, CID वाले बुलाते हैं जी, और वहाँ जांच करने के लिए जी, और वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये रिन्यू करवाओ जी, और रिन्यू करवाने के लिए हमारे पास तो कुछ है नहीं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जी, ये देख लीजिए आप ही, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चों का हम पेट पाले या हम रिन्यू करवाएं, हमारे पास तो इतना कुछ है भी नहीं, हम कहाँ से रिन्यू करवाएं सर। आप आपसे धन्यवाद है, आपसे निवेदन है कि हमारे ये रिन्यू वाला जो चक्कर है ये हटाया जाए। धन्यवाद। आप ये मेरे को बताओ, जब आप रिन्यू तो सबको पासपोर्ट करने पड़ते हैं, आप क्यों नहीं करा सकते? सर हमारे पास कुछ हो तो हम रिन्यू करवाए ना। आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? हम खेती बाड़ी करते हैं। कितनी कमाई होती है खेती बाड़ी में? खेती बाड़ी में कितनी कमाई होती है? 4-5 रुपए किलो गाजर जाती है, उसमें हमें चौथाई मिलती है। एक चौथाई मिलती है? एक चौथाई मिलती है। उसमें बच्चे पाल पा रहे हो? बच्चों के पेट पाल रहे हैं, और हम रिन्यू कहाँ से करवाएं? बच्चे पाले क्या रिन्यू कराए? आप पाकिस्तान से क्या सोच कर आए थे? मैं छोटे छोटे बच्चे ना क्या खिलाए क्या पिलाए, हमें कोई सुविधा करो ना। पासपोर्ट रिन्यू वाला झंझट मिल जाए तो वही हमारे लिए, वही बहुत है हमारे लिए। और रहने की जगह कोई हो जाए तो हमको रहने के प्लॉट कोई दिया जाए, तो हम रहने की जगह नहीं है, हमको क्या बच्चे छोटे छोटे बच्चे को कहाँ बैठा है? सर हम तो दूसरों के बेरे पर रह रहे हैं, आप देख रहे हैं हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं आप देख रहे हैं, तो इन बच्चों को पालें या हम रिन्यू करवाएं, रिन्यू का भी खर्चा लग रहा है, हम तो रिन्यू करवा नहीं सकते। आपसे धन्यवाद है कि हमारे रिन्यू वाला जो है, रिन्यू वाला आप धन्यवाद करके इसको हटाया जाए। रिन्यूएबल नहीं होना चाहिए। जी जी सर। आप बताओ मेरे को, आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते? नहीं जाते। क्या वजह है बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे? क्या है कि हम यहाँ खेती बाड़ी करते हैं, जो उसमें जो पैसे मिलते हैं वो तो खाने के लिए हमें मिल जाते हैं जी। और पैसे है नहीं, जो स्कूल है वो बहुत दूर है, जो प्राइवेट स्कूल है वो पैसे मांगती है, जो खाना हमें वो भी नहीं मिलता हमें। जैसे मेरे को ये छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ पर, जो पैसे है वो हमारे बच्चों के इसमें लग जाते हैं खाने पीने में, और पैसे है नहीं हमारे पास, जो हम क्या वहाँ भेजे, वहाँ जाते हैं तो वो भी पैसे ही मांगते हैं स्कूल वाले। ठीक है। कोई मेरे को ये बताओ, जैसे यहाँ पर सारे बच्चे, इतनी सारी संस्थाएं हैं, देश की सरकार है हमारे यहाँ पर, राज्य की सरकार है, या आपके बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था वगैरह हुई नहीं स्कूल की? कम से कम स्कूल की व्यवस्था भी नहीं हुई अभी तक? अभी हमारे बैठने की व्यवस्था नहीं है तो स्कूल की कहाँ होगी, बच्चे ऐसे ही लेकर बैठे हुए हैं अभी तक, आप दूसरों के बेरे पे बैठे हुए हैं हम, ना बैठने के लिए जगह है और ना ही कुछ। सरकार हमारी कुछ नहीं कर रही, और क्या है हमारे जो वहाँ से आए थे पासपोर्ट हमारा, वो भी हमारे डेट खत्म हो गई, अभी वो कह रहे हैं वो भी रिन्यू कराओ। क्या है कि हमारे बच्चे के जो वो है वो भी नहीं पूरा हो सकता खाना पीना, तो हम ये रिन्यू वाला कैसे चक्कर चलाएं? पाकिस्तान से जब चले थे भारत के लिए क्या सोच के चले थे, आपको लगा था कि आप मदद होगी? हुई है आपको? हमें तो लगा था मदद होगी, पर यहाँ तो कोई हमें पूछने भी नहीं आता, यहाँ पर दूसरों के बेरे में रह रहे हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं, बस अपने बच्चों का पेट पालते हैं। 12 महीना पूरा होता है तो हमें जागीदार कहते हैं हमें तीतू खड़ो टपड़ के चले, है नहीं तो पर कहीं कर प्लॉट माना जुड़ा जावे। अभी तक घर किसी ने कोई जमीन वगैरह नहीं दी? कहीं नहीं थी, हम कहाँ लाए, हमारे बच्चे छोटे छोटे, हम कमाने जाते जो इन्हें का खर्चा पूरा करते हैं बच्चों का, हम घर चाहे घर हुए तो रहने के पानी भी जावे। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर कैंपों में रहते हैं, उनके पास जमीनें हैं जगह हैं सरकारी, आप लोग नहीं रहे कभी ऐसे कैंपों में? जी हम तो नहीं गए हैं। क्या वजह है? वहाँ जाते हैं तो बैठने के लिए जगह तो है नहीं, इसीलिए हम बैरा करते हैं, क्योंकि पेट बच्चों का पेट तो पालना है सर, इसीलिए हम बैरों में रहते हैं। जब से आए कोई मदद मिली है? नहीं कुछ नहीं मिला है। कोई हिंदू संस्थान आया आपकी तरह मदद करने? कोई नहीं आया। आप बताओ, इतने सारे देश के हिंदू संस्थान राजस्थान में काम करते हैं, आप तक कोई पहुंचा क्यों नहीं है? ये क्या है, हम पहुंचा तो हम तो ये करते हैं, वो हमारे करते नहीं, और रिन्यू वाला चक्कर हमारा नहीं मिटता। रिन्यू के अलावा कोई मदद हुई है किसी हिंदू संस्थान की तरफ से आपको? कुछ नहीं हुई सर। नहीं हुई है? नहीं। आपको, आप दीदी सच बता रही है? हाँ सच है, ये कुछ नहीं हुआ हमको, कोई मदद नहीं देता। आपको कोई मदद मिली किसी संस्थान की तरफ से अभी तक? नहीं सर, कोई नहीं इधर आया। क्या वजह है ऐसे? हम तो सुनते हैं राजस्थान में बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं, आप तक कोई क्यों नहीं पहुंचा आज तक? नहीं, टीवी में तो बहुत दिखाते हैं जो हम पाकिस्तानियों की ऐसी मदद कर रहे हैं, ऐसी कर रहे हैं, इधर तो हमारे पास तो कोई नहीं आता, हम तो ऐसे ही पड़े हैं। बुरा लगता है आपको जब ऐसे देखते हो? हमें तो बहुत बुरा लगता है, इस
पाकिस्तान में थे तो हमने सोचा जो अपने देश जाएंगे तो सुखी रहेंगे, इधर आए तो इधर तो कुछ नहीं है, इधर तो हम उससे भी घने परेशान है क्योंकि ना तो रहने की जगह है, ना कोई खाने पीने की है सुविधा, कुछ भी नहीं है। बेरो पे रहते हैं, 12 महीने पूरे होते हैं तो जागीरदार कहता है जो कोई भी गलती हो जाए, पानी नहीं ज्यादा कम लग जाए तो कहने लगते हैं जो अपने सामान उठाओ दूसरी जगह पे जाओ। हमारे पास ना कोई रहने की जगह है, ना कोई प्लॉट है, ना कुछ नहीं है, हम तो ये बच्चों के लिए खाने के लिए ही कमाते हैं। जैसे ये सीआईडी वाले आपसे पूछते हैं रिन्यू करवाओ, आप बोलते नहीं हो कि हमारे पास कमाई नहीं, हम कैसे कराएं? हम तो सर उनको कहते हैं हमारा तो पेट ही नहीं पलता था, हम ये रिन्यू कहां से करवाएं? क्या बोलते हैं वो लोग? वो तो कहते हैं भाई ये पासपोर्ट तो रिन्यू करवाना ही पड़ेगा, ये कोई 4-5 साल का हो तो रिन्यू करवाएं, 1 साल के लिए रिन्यू होता है। ये 1 साल के लिए कहां रिन्यू कर, 1 साल पाकिस्तान एम्बेसी रिन्यू करती है जी, बस 1 ही साल के लिए? 1 साल के लिए। फिर 1 साल के बाद फिर से पैसे लगते हैं आपको? फिर से पैसे, 6,000 रुपए ऑलमोस्ट, 6,000 रुपए खर्चने आपको हर साल पासपोर्ट के लिए। हाँ। जब तक आपकी नागरिकता नहीं होगी तब तक आपको ये बोल रहे हैं कि पासपोर्ट आपको रिन्यू करते रहना है? हाँ। हर साल पासपोर्ट रिन्यू करना। आप बोलते नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? हमने तो कहा था जो हमारे पास तो बच्चों को पालने के लिए पैसे नहीं, हम रिन्यू कहाँ से कराए? वो कहने लगे 6 महीने के अंदर जो पासपोर्ट रिन्यू कराओगे तो ठीक है, नहीं तो वापस चले जाओ। ऐसे बोलते हैं आपको? ऐसे बोलते हैं। आपको भी बोला जाता है कि ऐसे कि अगर नहीं रिन्यू करते वापस जाओ? यस सर। ये आप बोलते नहीं हो कि हम लोग हिंदू हैं पाकिस्तान कैसे जाएंगे वापस? हमें तो कहा है हम हिंदू हैं पाकिस्तान जी, हम छोड़ना था तो फिर यहाँ क्यों आते जी? तभी तो हम यहाँ आए क्योंकि हमें अपने बच्चों का भविष्य सुधारना। क्या है कि जो कमाई है वो तो हमारी ऐसे ही पेट पे चल रही है, ये बच्चे कैसे सुधरेंगे? ना स्कूल है, ना कोई रहने की जगह है, बस ऐसे ही रह रहे हैं सर। आप पाकिस्तान, अगर पूछूं आपसे आपने पाकिस्तान क्यों छोड़ा, क्या बोलोगे? पाकिस्तान तो हम वहाँ तो दुखी थे और यहाँ भी दुखी है क्योंकि हमारे लिए ना कोई जगह है, ना कोई बैठने के लिए, और पासपोर्ट रिन्यू के लिए जब भी जाते हैं यही बात करते हैं कि पासपोर्ट रिन्यू कराओ, पासपोर्ट रिन्यू कराओ। हमारे पास तो पैसे नहीं है पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए। दोस्तों इशू आपने सुना, आइए आपको उनसे मिलाता हूँ जो मुझे इस परिवारों के पास लेकर आए हैं। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम है राजराम। सबसे पहले एक हिंदू होने के नाते आप सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। क्या मसला है ये जरा समझाओ लोगों को, मैं समझना चाहता हूँ। जैसे CAA पास हो गया, तो अब तो जैसे मेरे को भी दोस्तों जो जानकारी है कि अब पासपोर्ट और वीजा रिन्यू करने की जरूरत नहीं है, इनको इस साथ ये इशू क्यों है? ये तो हमारी जानकारी में भी मतलब सुनने में आया कि जैसे ये नोटिफिकेशन जारी हुआ जी, तो हमने एक दूसरे को बधाई भी दी कि पासपोर्ट रिन्यूअल का ये मैट्रिक खत्म हो गया जी। अब कुछ दिन पहले ये भाई साहब गए, इनसे कहा गया कि आप पासपोर्ट रिन्यू कराओ। ठीक है, तो इसलिए CID वालों ने बुलाया, जो इंक्वायरी वाले। हाँ, CID वालों ने बुलाया। ठीक है, काफी बार और जगह पर भी हमने ये आवाज उठाई है तो कुछ लोग कहते हैं ये बनी बनाई है वो, आप इनकी तस्वीरें इनके चेहरे देख लीजिए, इसमें कोई बनावट नहीं है, ये तकलीफ है। ये जो ट्यूबवेल है ना जी, ये किसी अदर कास्ट के लोगों जमींदारों का आए, ये 6 महीने यहाँ पर खेती करेगा जी। इस जगह पर एक बेटी का बच्ची का ब्याह होगा, अगली बच्ची का पता नहीं किस जगह पर ब्याह होगा जी। और इसमें जमींदार के हमें नीचे भी चलना पड़ता है, किंतु परंतु नहीं कर सकते। ठीक है, किंतु परंतु क्यों नहीं कर सकते? इसका एक कारण है कि अगर कुछ कड़क होकर बात करते हैं जाहिर सी बात है यहाँ से सामान उठाना पड़ेगा, उठाएं तो किस जगह पर जाएं? ठीक है, तो कुछ एडजस्ट करना पड़ता है जो भी है, जैसे दबके चलना पड़ता है। मोटी मोटी बात दोस्तों, जैसे आपने गाजर का उदाहरण दिया था ना, सच पूछिए ये कहीं पर कोई गहना वगैरह किसी को आपको दिख रहा है जी? नहीं। क्यों इनके लिए नहीं बना है कि ये सोना नहीं पहन सकती, चांदी नहीं पहन सकती जी? ये कलंक एक गुर्बत है जो ये इस तरह श्रृंगार भी नहीं कर सकती। वो पासपोर्ट रिन्यू का 1.5-1.5 लाख ऑलमोस्ट इतना आ जाएगा क्योंकि किराया भाड़ा वो भी एक बार जाने से नहीं हो रहा है जी। काफी बार जाना पड़ता है जी। और काफी चीजें आप भी मतलब एक संस्था के हिसाब से काफी पाक विस्थापित हिंदुओं से मिलते रहते हो जी। और एक मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा जी। सच में आज दिल खुश हुआ, पिछली बार भी आप आए थे जी। आपने उन एरियों का विजिट किया जहां पर अभी तक कोई भी नहीं आया, क्या वजह है ऐसे? जैसे मुझे भी बहुत बार लोगों ने बोला है कि आप यहाँ जगह, हमें तो नहीं लगा दोस्तों, क्योंकि अगर पाकिस्तानी हिंदू जिन तक कोई नहीं पहुंचा उन तक तो पहुंचना चाहिए, तो मैं भी समझता हूँ। आप ऐसा क्यों धन्यवाद करते हो? हमारा संगठन ही पाकिस्तानी हिंदुओं की मदद करने के लिए बना है, आपको क्या लगता है ऐसे यहाँ तक क्यों अभी तक कोई क्यों नहीं पहुंचा है? मेरे हिसाब से जो मैं अपने आईडी से अंदाजे से, क्योंकि संस्थाएं तो बहुत है जोधपुर में, संस्थाओं का गढ़ है जी,
आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखते रहते हैं, और हमारे रिलीजन वाले हैं सिटी में रह रहे हैं तो वो भी कहते हैं फलानी संस्था ये मकान बना रही है, ये वो कर रही है, पर मतलब सिलेक्टेड एरिया है उनके, मैं सिटी से बाहर कड़ी धूप में कोई आना नहीं चाहता, मैं ये सोचता हूँ। आप ये समझो, आप कैसे शहर शहर में रह रहे, बिल्कुल उसमें वो उनके कोई आदमी है जो उनसे रात दिन मिल रहे हैं तो वहीं तक जाते हैं, जरूर उनका कुछ न कुछ होता होगा, ये मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने किसी का कोई काम नहीं किया। वहीं पर लिखत में आता है कि पाक विस्थापितों के, पाक विस्थापितों में हम भी तो आते हैं ना, यहाँ से निकलिए जैसे अपने जैसलमेर तक पाक विस्थापित ही है, धोरों में कोई नहीं जाता है, सिटी में है, सिटी में होटल मेरे मतलब कमरे बुक हो जाते हैं और सुबह कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह बना बनो कर ठीक है वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन आप यहाँ पर तक पहुँचे, आप हमारी आवाज़ बन रहे हो और काफ़ी लोगों के जो वो भी मैं आपके मतलब चैनल के माध्यम से देख रहा हूँ, कल भी आपने किसी को मकान दिया और किसी को दुकान का, किसी को रिक्शा वगैरह का देख रहे हैं, इसलिए मैंने कहा आपको धन्यवाद। ऐसा नहीं कि आपने मेरे लिए हवेली खड़ी कर दी, पर जिनको मिल रहा है वो बेचारे दुआएं देंगे, वो तसल्ली हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। दोस्तों एक चीज मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ जो इन्होंने दोस्तों खुल के नहीं बताया, लेकिन मैं आपको खुल के समझाता हूँ। ये गाजर दोस्तों देख रहे हो, ये इस टाइम पर अप्रैल का सेकेंड वीक चल रहा है, सेकेंड वीक में दोस्तों इतनी बड़ी गाजर दिल्ली में तो अवेलेबल नहीं है, दिल्ली में जो आ रही है छोटी गाजरें आ रही हैं, जोधपुर इज फेमस फॉर गाजर, और यहाँ पर दोस्तों इस गाजर जो ये प्रोड्यूस करते हैं, ये दीज आर द एक्चुअल प्रोड्यूसर्स, दीज आर द एक्चुअल फार्मर्स, और ये जो प्रोड्यूस करते हैं ये 4 रुपए 5 रुपए किलो दिख रही है गाजर, ये 1 फुट से बड़ी गाजर है दोस्तों, और हमने खाई भी, इट्स वेरी टेस्टी। ये दोस्तों ये गाजर यहाँ पर 4 रुपए 5 रुपए किलो बिक रही है, और उस किलो में से इनको 1/4 मिलता, ऑलमोस्ट 1.25 रुपए किलो इनको मिलता। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द जो फार्मर प्रोटेस्ट हम कहते थे, इट वाज अ स्टेज्ड प्रोटेस्ट, और आरथी और जो डीलर लोग चोलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वाई अरे आप देख रहे थे बड़ी बड़ी BMW कारें प्रोटेस्ट में घूम रही थी, बिकॉज ये जो किसान है दोस्तों, इन किसानों के पास तो अपना पेट पालने का पैसा नहीं है, ये प्रोड्यूस कर रहा है, इसको 1.25 रुपए किलो मिल रहा है। और अगर आप भी दोस्तों जिन शहरों में रह रहे हो, मैं चाहता हूँ कमेंट में लिखें आप ये कितने रुपए किलो बिक रही है ऐसी गाजर, ये दिल्ली में तो दोस्तों 50 रुपए 60 रुपए किलो है इस टाइम पर, वो भी बड़े बड़े स्टोर्स में मिल रही है, लोकल जो जो रेडी वाले हैं सब्जी वाले उनके पास नहीं मिल रही है। दिस इज अगेन ए क्वेश्चन ऑन द एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री, जो स्टेट की है जो सेंटर की है, क्या पॉलिसी फॉर्मेशन कर रहे हैं आप? अगर ये टेनेंट्स को कीमत नहीं मिलेगी इनके काम की तो ये बेचारे कैसे डेवलप होंगे? ये बच्चे दोस्तों, दिस इज ए क्वेश्चन ऑन अवर सोसाइटी, कि ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, इट्स ए शेम ऑन अवर सोसाइटी, ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और इनके पेरेंट्स पाकिस्तान जैसे कंट्री से इनको निकाल के ले आए हैं, और हम एज ए सोसाइटी वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर देम, व्हाई? बिकॉज वी आर सो पॉलिटिकली करप्ट या पॉलिटिकली इन्वेस्टेड इनटू पॉलिटिक्स that we forgot that we have a social responsibility of taking care of these people. जैसे इस भाई ने कहा कि यहाँ पर passport renewal की जरूरत क्यों है? If CA has been passed, why these poor people have been asked to renew their passports? I want clarifications from the Foreign Ministry of India. आप क्या कर रहे हैं? जो officers बैठे हो, आप क्यों इन गरीब लोगों को तंग कर रहे हैं? As a organization, दोस्तों, I want you to contribute to HSY. बिकॉज मैं चाहता हूं दोस्तों इन सारे परिवारों के लिए हम कुछ जमीन यहां पर राजस्थान में खरीदें, एंड वी गिव देम चीप लैंड्स, राजस्थान में लैंड इज चीप, आई वॉन्ट यू टू कॉन्ट्रीब्यूट, मैं चाहता हूं आप मेरे से मिले, यू विजिट राजस्थान विद अस, आप खुद खरीद कर दें, खुद खरीद कर दें, देर इज कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इन अवर ट्रांजेक्शन, आप खुद खरीद कर दें, बट कम फॉरवर्ड, जितने भी देश में मठ मंदिर हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, इतने संतों के बड़े आश्रम हैं, जितने भी बड़े बड़े हिंदू संस्थान हैं, आप इस टाइम पर सामने आइए, जमीन पर आइए, जय यहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं, अच्छा करती हैं, लेकिन इन रिमोट एरियाज में जो हिंदू बैठा है इन तक कोई नहीं पहुंचा, एंड अनफॉर्चुनेटली दोस्तों इन रिमोट एरियाज में कन्वर्जन गैंग्स और कन्वर्जन इंडस्ट्री वाले लोग फटाफट पहुंच जाते हैं, जो वनरेबल परिवार है दोस्तों इनको एक्सप्लॉइट करने के लिए वो पहुंचते हैं, देन वो हम बस शोर मचाते रह जाते हैं कि ये धर्म परिवर्तन क्यों कर लिया इस परिवार ने, इस धर्म परिवर्तन क्यों कर लिया इस परिवार ने, बिकॉज वी डू नॉट हैव ए आउटरीच टू दीज फैमिलीज एज ए हिंदू सोसाइटी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आप क्या सोचते हैं, क्या इसका इलाज होना चाहिए? आप HSF को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं कि ऐसे परिवारों के हम हेल्प बने
और ये पासपोर्ट रिन्यूअल का जो इशू है, मैं चाहता हूँ इसके लिए आप पुरजोर तरीके से हमारे साथ इनके लिए आवाज उठाएं, ताकि दोस्तों हम इनके लिए कुछ तो राहत या कुछ तो राहत प्रोवाइड करवा सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, बाय बाय।